हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जहां पर भी होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं मैसी बन हेयर ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैंने सारे बालों में क्रिम्पिंग कर ली है। क्रिम्पिंग करने के बाद हम एयर टू एयर पार्टीशन निकालेंगे और उसको अच्छे से सेक्शनिंग करके सेक्शन क्लिप लगा देंगे। अभी मैं एयर मिड से एक गाइडलाइन ले रही हूँ और एक पार्टीशन और निकाल रही हूँ और उसको भी अच्छे से सेक्शनिंग करके मैं सेक्शन क्लिप लगा लूँगी। अभी हम बैक पॉइंट पे दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे हेयर्स को और दो पोनीटेल करेंगे। अभी हमने दोनों साइड पे पोनीटेल कर ली है। नेक्स्ट हमने जो क्राउन एरिया पे बाल निकाले थे उसको हम ओपन करेंगे और उसे भी हम दो पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद हम फिर से दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और अच्छे से बैक कॉम्बिंग करके उसको मूव कर देंगे। मूव करने के बाद हम पुलिंग टेक्निक से लाइन वर्क क्रिएट करेंगे। एंड पोनी के साथ इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम एक अच्छी सी हार्ड स्प्रे यूज़ करेंगे एंड लाइंस को नीट करेंगे। सेम इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को भी मूव करेंगे। मूव करने के बाद पुलिंग टेक्निक से लाइन वर्क क्रिएट करेंगे एंड पोनी के साथ उसको लॉक करने के बाद हम हार्ड स्प्रे के साथ उसको नीट करेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी पुलिंग टेक्निक से हम लाइन्स क्रिएट करेंगे। फ्रंट हेयर्स पे हम सिंपल ब्रेड करेंगे। दो पार्टीशन में बालों को डिवाइड करके मूव करेंगे एंड इसी तरह से हमें सारी ब्रेड करनी है और जितना आपको बाउंस चाहिए उतना आपने बाउंस रख लेना है। और अभी इस ब्रेड को भी हम पोनी के साथ लॉक कर देंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी ब्रेड करेंगे और जितना आप बाउंस चाहते हैं उतना बाउंस रख सकते हैं आप। अभी बैक पॉइंट पे बचे हुए बालों को हम कर्ल्स करेंगे। छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर लेना हेयर्स को और सारे बालों को अच्छे से कर्ल्स करेंगे। तो अभी हमारे बैक पॉइंट के हेयर सारे कर्ल्स हो गए हैं। अभी हमने फ्रंट पे जो बाल छोड़े थे उसको भी हम कर्ल कर लेंगे।
अभी हम एक एक कर्ल्स को पोनी टेल के साथ मूव करके लॉक कर देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करके हमें इस बालों का एक अच्छा सा बन क्रिएट करना है। हमने कुछ इस तरह से बन क्रिएट करना है कि पता ही ना चले कि किस पार्टीशन को हमने किसके साथ अटैच किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं एक एक कर्ल को राइट से लेफ्ट एंड लेफ्ट से राइट करके एक अच्छा सा बन क्रिएट कर रही हूँ। इसी तरह से हमने सारे बालों को एक अच्छा सा बन क्रिएट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मैसी बैन क्रिएट हो गया है। आप इसे चाहें तो एक्सेसरी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।